मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल और मैं अनिल मिश्रा आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप भारतीय भैंसों की श्रृंखला में नागपुरी भैंसों के बारे में वो सारी बातें जानेंगे जो अभी तक कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। मित्रों अगर आप पशु प्रेमी हैं और भैंस पालन व डेयरी के काम से जुड़े हैं तथा अभी तक पशु पक्षी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मित्रों नागपुरी भैंस के बारे में तो इस वीडियो में देख ही रहे हैं, अगर आप अन्य भारतीय भैंसों के बारे में जानना व समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में सभी भैंसों के बारे में पूरी एक प्लेलिस्ट हमने दे दिया जिसमें सभी भैंसों का ब्यौरा है, आप अपना प्यार वहां जरूर दें। मित्रों ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं इस भैंस को नागपुरी भैंस के अलावा इलिचपुरी और बरारी व अरबी, चंदा, शाही और वरहदी के नामों से भी जाना जाता है। मित्रों इस नागपुरी भैंस विदर्भ की मशहूर नस्ल है और ये नस्ल नागपुर, अकोला व महाराष्ट्र के अमरावती जिलों में ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बुलदाना, आंचलपुर व वर्धा जिलों में भी पाई जाती हैं। इनका रंग काला होता है, जिनके चेहरे पर सफ़ेद रंग के पैच होते हैं, पैर और पूंछ छोटी होती है और सफ़ेद उस पर भी पैच होते हैं। इसे इलिचपुरी या बरारी भी कहा जाता है। आप जो सींग देख रहे हैं बहुत आकर्षक दिखने के साथ साथ लंबे, सपाट और मुड़े हुए होते हैं, जो पीछे की तरफ लगभग कंधे तक पीछे की ओर झुकते हैं। तलवार के आकार के सींग इनकी मुख्य पहचान है। इस प्रकार के सींगों का एक अलग फायदा इनको मिलता है कि वे अपने व अपने साथ में रहने वाले सभी भैंसों को जंगली जानवरों से बचाने में मदद करते हैं। और नागपुरी भैंस का चेहरा लंबा और पतला होता है, गर्दन कुछ लंबी होती है, सीना चौड़ा होता है। इन भैंसों का आकार मध्यम रहकर पीठ बड़ी होती है और इस भैंस की ऊंचाई लगभग 135 सेंटीमीटर व वजन 425 किलोग्राम के आसपास होता है। नर भैंसा की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर व वजन 525 किलोग्राम के आसपास होता है। नर भैंसा कृषि कार्य के साथ माल ढुलाई के काम में लिया जाता है। ये ताकतवर होने के साथ थोड़ा सुस्त होते हैं। नागपुरी भैंस एक ब्यात में लगभग 270 दिनों तक दूध देती है। औसत दूध का उत्पादन 9 से 1500 किलोग्राम प्रति ब्यात होता है। इनके दूध में लगभग 7% का फैट होता है। नागपुरी भैंसे औसत 48 से 50 महीने में आपको बच्चा देकर दूध देने लगती हैं। कुछ मुख्य आकर्षण की वजह से महाराष्ट्र व दक्षिण भारत के कस्बों में नागपुरी भैंसों का पालन बहुत होता है, जो कारण इस प्रकार है। अगर अच्छा रख रखाव व संतुलित आहार दिया जाए तो ये भैंसें 12 से लेकर 14 लीटर दूध प्रत्येक दिन दे देती हैं। इन भैंसों का ज़्यादा प्रसार न होने के कारण बहुत ही सस्ती मूल्य पर मिल जाती हैं, जो अन्य भैंसों की तुलना में आधी या इससे भी कम रहती हैं। नागपुरी भैंसों पर मौसम का कोई खास प्रतिकूल असर नहीं दिखता है। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण इन पर दवाइयों का खर्च ना के बराबर होता है और प्रजनन क्षमता भी उम्दा होती है। कम खर्च में आसानी से पाली जाने वाली घरेलू व व्यावसायिक दृष्टि से अच्छी भैंसों की श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मित्रों ये है हमारे द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि अन्य लोग आपके अनुभव का फायदा ले सकें। भैंसों के व्यापारी बंधु अपना नाम व शहर और मोबाइल नंबर जरूर कमेंट में डाल दें ताकि इच्छुक लोग आपसे भैंस की खरीद और बिक्री कर सकें। मित्रों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों व रिश्तेदारों को शेयर करके उन्हें भी इस भैंस की बारे में जानकारी अवगत कराएं। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, सत श्री अकाल।